बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन की ड्रम स्टिक्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं जिसमें हम आलू का इस्तेमाल भी करेंगे। चिकन मैंने लिया एक बाउल, इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया। फिर हमने मैदे की डो बनाई है, आप मेरी डो की रेसिपी भी देख सकते हैं इसको कैसे बनाना है। फिर मैंने आलुओं को कट करके इसके स्टिक्स काट लिए, ऐसे मोटे साइज़ की आपने इसको काट लेना है। फिर मैंने अंडे 2 से 3 अदद लिए, इनको अच्छी तरह फेंट लिया है। वाइट पेपर लिया 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर लिया 1 टेबल स्पून, नमक लिया 1 टेबल स्पून हसबे जायका। सारे इंग्रेडिएंट्स अब हम चिकन में डालेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने मैदे की छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है। ये मैंने चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं, इसको अभी हमने कट कर लेना है। ये मैंने शेपर लिया, इसकी मदद से हम इसको काट लेंगे। सबसे पहले हम चीज़ को रखेंगे, फिर इसके ऊपर हमने चिकन का मटेरियल रखना है। सेंटर में हम आलू रखेंगे, इस तरह हमने इसको बंद कर देना। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हमने सारी ड्रम स्टिक्स तैयार कर ली हैं, अब हमने मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है। तो हमारी चिकन ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है।